सवेरे का एक चीज सुना, सवेरे का चीज सुना जे कुछ देखा गाना गौला का मतलब ये होला कि 1000 आदमी में अगर एक आदमी समझ जाए अच्छा बात लिखल गल कि सोना अगर गलत स्थान पर मिल जाए तो ले लेवे के चाहिए। सोना कबो अपवित्र ना होला। अब बढ़िया बात अगर छोटो आदमी से मिल जाए तो ले लेवे के चाहिए, खराब बात रहो के छोड़ देवे के चाहिए। कबीरदास लिखलन कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गही रहे थोथा दे तुड़ाए। साधु का स्वभाव, बढ़िया आदमी का स्वभाव सूप की तरह चाहिए। सूप में फटका तो जितना पैया रही वो निकल जाए, जितना असली तो असली चीज यानी बढ़िया चीज मिल जाए तो ले लेवे के चाहिए। वो छोटो आदमी से मूर्खो आदमी से अगर बढ़िया चीज मिले तो ले लेवे के चाहिए। तो सुना एक सवेरे का बात, लड़का बूढ़ जवान सबकी लायक बात बा। चार लाइन पर गौर रहे, भोजपुरी एक बात मिली माथले कि ऐसन जमाना बयाई लिए बाबू, ऐसन जमाना बयाई लिए बाबू कि माल किल्ब में हरियर माई गुलाम बा। जार जट के साड़ी रोज नारी के किनात बाटे, औ माई के मर किन कलुगरी हराम बा। माई के रतिया में सतुआ जुलम भैले, अरे नारी के नस्ता में किसमिस बदाम बा। माई जो बोले तो थपरा से बात करे, अरे नारी के आरती अब हो तो सुबह शाम बा। भैया लोग एलिका भैया बचवा कि लोग अपनी माँ बाप के भूल जाते हूँ, ना भुलाए के चाहिए। अरे माई का करनी आज ले धरती पर केहू पैदे ना भाई जोन भर दे। जितना माई का सेवा करवा भाई कुल कम है बा, जितना करवा वो कम में बा। दशाश्वमेध घाट पर आप गए होंगे, बनारस में एक मंदिर टेढ़ा दिखलाई देता है जो मालूम पड़ता है 45 अंश का कोण बना के। वो एक मंदिर एक आदमी अपने माँ के नाम पर बनवाया कि माई काम पूरा करनी कसंती एक ठे शिवालय बना दे थे। बना लिया और यही बात कहा बना करके कि दुनिया वालों चाहे जे रहल बस संगी साथी कि भैया हम माई का करनी चुका दिली, एक शिवालय बना देनी ओकरी नाम पर। और वही मंदिर ये बात कहा और मंदिर करवट लेना शुरू किया। मालूम हुआ मंदिर टूट कर गिर जाएगा। उसको जब तक ये नहीं कह दिया उसने कि माई का कर्जा है धरती पर केहू आज ले चुकावल नहीं, जब ये बात कहा उसी समय मंदिर वहीं रुक गया। दशाश्वमेध घाट के थोड़ा सा बाएं साइड में पड़ेगा। तो बाबू जी माई का कर्जा केहू चुकावल ना, आज का जमाना ई बा कि मेहरारू के सिनेमा देखावा। मेहरारू के दो चार दिन पर दौड़ले रहा अगर कहीं नौकरी करतिया तब। मेहरारू के जानो से देर समझा, समझा कोनो बात न बा, लेकिन माई के भी समझा। एक परदेशी रहलन, कमा के अलन, उनका मेहरारू बड़ा नीक नीक भोजन बनौलस जे हमार परदेशी सैया आई हुआ। कहीं दूरे रहलन, उनकर माई जाके थोड़ा सा एगो रोटी तूर लेलस। कहलस रे बुजरी बुढ़िया, मर्दा के अपनी बनौले हैं कि तोरा के बनौले हैं? जाके अपनी मर्दा से कहलस तोहके बनौली घी लगा के आऊ रोटिया तोहर माई तनी खा लेलस। आके एक थपरा मार देलस अपनी माई के। माई कहलस बेटा मार दिया एक थपरा एकर कोनो बात ना बा। बाबू बोलन बस बाबू के एक थपरा मार देलस। माई बाबू लोग कहल मार दिया ई बात ना बा बचवा, तुम्हारी जिंदगी बढ़ल करे। लेकिन एक से बात कहते हैं मुके सुन ला, सवेरे ही का तर्जो बा, एकदम सवेरे का तर्ज बा। तर्जिया बा कि लगा कहे खातिर डाकू
शरीर आराउर शरीर आराउर माटी के मकान बनल बा शरीर आराउर माटी के मकान बनल बा माई कलश बेटा तू खूब कमा के हंसत भैया ध्यान देब तो हंसी ना आई सुने के मन करी ना ध्यान देब तब तो बतिया वही लगबा इजे बतिया जे सुनी ओकरा मुस्कुराहटो ना आई जाए छोड़ा सुतल न बड़ा छोड़ा माई कहला से बाबू जी की बेटा तू हमके एक थपरा मार दिला एकर कौनो बात ना बा बतिया एक ही चीज कबा कि एक दिन सुतू जाइबा बाबूआ अरे पकल आम की तरह कि जनी जाना माई हो जनी जाना माई बाबू के गुलाम की तरह जनी जाना माई बाबू के गुलाम की तरह जनी जाना माई बाबू के गुलाम की तरह आज ना नौकरी करत हुआ उ दिनवा तोके ना याद हुई हमके याद हुई कि जब तू हमारी पेटवा में रहला भैया जी जब तू हमारी पेटवा में रहला हमें कितना तकलीफ भइल कौन आशा ले रहनी तुहरा खातिर माई कहे लगल रोके कि नौ महीना पेट में रखली रतिया दिनवा चैन न पवली नौ महीना नौ महीना बेटा जब तू नौ महीना हमारी पेटे में रहला कानम बड़ी भैया कुबेरिया का पकला बना के तुम्हें रखनी बेटा कौनो आशा लेके कि हमार लड़का हुई तो हमके बुढ़ौती में सहारा दे यहाँ तक ले कि जब तू पेट में रहला यहाँ तक ले कि भर पेटे अन्न कभी ना खैली कितना दर्द से पैदा कैली भर पेटे अन्न एक मिनट भैया बस एक मिनट के गन में हो भूख लागल खूब लेकिन भर पेट खैली ना कि हमारी लड़का के भीतर तकलीफ हुई जब पैदा भइला तो दर्द का सीमा ना रहल बड़ा हमके तकलीफ भई लेकिन आज अरे करनी भुलाई गईला कहे नमक राम की तरह कि जनी जाना माई हो जनी जाना माई बाबू के गुलाम की तरह जनी जाना माई बाबू के गुलाम की तरह जनी जाना माई बाबू के गुलाम की तरह पैदा हो गईला बेटा जब तू 15-16 बरिस का भइला तो हम कुछ आशा लेके तोहरा खातिर कैली का तोहके नाश्ता दिहली घी के अपने सुतली पानी पी के तोहके नाश्ता ओ घरी बेटा बोल मत रे बचवा ओ घरी तोहरा के शुद्ध देसी घी का हम खाना बना बना खियौनी बेटा पहलवान हो जाए बुद्धिमान हो जाए चालाक हो जाए अपने कोनो दिन उपवास भी रहे के परल तनी सुना हो बड़ी बढ़िया बात बतावत है एकर तनी कोई एको लाइनिया याद पड़ जाए तो जिंदगी बन जाए ये कोनो लोफरई का बात ना अब करत है जिंदगी बन जाए बना ला जिंदगी अमर का नमाज सुन के माई कहलस का की तरे कि जनी जाना माई ओ जनी जाना माई बाबू के गुलाम की तरे जनी जाना माई बाबू के गुलाम की तरे जनी जाना माई बाबू के गुलाम की तरे एक चेतावनी माई दे रहल बा कि ये जवानिया पर घमंड मत करा जवानी ना रही एक एक लाइन बड़ी अनमोल मिली आपके भोजपुरी के तो बात बा माई कहत बा कि सुन लो बेटा ध्रुव सत्य बाय में को पैसा गलती ना बा
कि जग पावे करनी का भरनी दिन के बाद आवे ली रजनी जग पावे बेचैन भाई जैसे मंड नहीं करे के बाद कहाँ है कि जही बाटे सुबह शाम की तरह कि जनी जाना माई हो जनी जाना माई बाबू के गुलाम की तरह जनी जाना माई बाबू के गुलाम की तरह इतना आवा जाही बाटे सुबह शाम की तरह इस सवेर सांझ नियर होत चल जी बात तू हूँ एक खातिर एक थे बात कहते हैं एक दिन होई बा का तू आखरी लाइन माई कलश ना खिया में से पानी चली आई कि एक दिन होई बा बाप महतारी एक दिन होई बा बाप महतारी एक दिन होई बा बाप महतारी तहिया आई तोहरो पारी तहिया हमके थपरा मरला एक और अफसोस नहीं बा अफसोस वही बात कबा कि तू बाप महतारी हुई बात कहीं तोहरो लई कबा तोहरा के थपरा न मार दे हमारी बेटा के तोहार बेटा मत थपरा मार दे हमके मार देला कोनो बात ना बा एक दिन तू बाप महतारी हो जाइबा तैया करब का ई लाइन बड़ी मार केबुल भाई के ख्याल करी है कि तब ना घूमबा भोला काफी बेलगाम की तरह तब ना घूमबा भोला काशी बेलगाम की तरह तैया लगाम लग जाई तैया अपनी मन का छुट्टा ना घूमबा दौड़ के सिनेमा ना देखे लगबा बाबू लैकवा जाके देखी कह रहल बा माई कि तब ना घूमबा भोला काशी बेलगाम की तरह कि जनी जाना माई हो जनी जाना माई बाबू के गुलाम की तरह जनी जाना माई बाबू के गुलाम की तरह जनी जाना माई बाबू के गुलाम की तरह अरे बबुआ बबुआ बबुआ